Hello friends, welcome to my channel. My name is Kaurarshal. Now I am going to teach the chapter number 2 of English literature, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So let's start. मैंने यहाँ पे notes बनाई है. So, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Nelson Mandela जो कि South Africa के एक leader थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के आफ्टर फ्रीडम. सो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो उनकी जर्नी थी फ्रीडम थी उसके बदले में. सो उसके बदले में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी सो उसी में से हम एक किस्सा मतलब एक पेज लेने वाले हैं. एक पेज ही वो लेसन में अब हमने लिया है. सो लेट स्टार्ट दैट इन 1994 द साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम. जो साउथ अफ्रीका कंट्री था अफ्रीका का एक साउथर्न पार्ट उस कंट्री को फ्रीडम मिला मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया. वो स्पीच दे रहे थे अपनी डॉटर जिनानी के साथ. स्पीच दे रहे थे किसके बदले में फ्रीडम ऑफ जर्नी ऑफ फ्रीडम के बारे में जिनानी के साथ स्पीच दे रहे थे. बिफोर फोर ईयर्स ऑफ नेल्सन बर्थ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम अपार्टेड वॉज स्टार्टेड. ब्रिटिश ने वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम अपार्टेड स्टार्ट की थी कब नेल्सन मंडेला जो बर्थ होने मतलब 4 साल बाद वो नेल्सन मंडेला बर्थ हुआ. वो जो अपार्टेड सिस्टम थी वो शुरू होने के बाद 4 साल बाद उनका बर्थ हुआ. सो देयर वे मतलब ये अपार्टेड सिस्टम क्या है. ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है स्किन और कलर के बेसिस पर. मतलब फॉर एग्जांपल वाइट्स जो थे ब्राइट लगते थे सो उनको ऑल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते थे और जो ब्लैक्स थे उनको सेपरेट किया जाता था बसेस से स्कूल से गार्डन से पार्क से हॉस्पिटल्स बसेस एम्यूजेस. एम्यूजेस मतलब जो जो पार्क्स थे वो उनसे. सो क्यों किया जाता था ये ब्रिटिश का तो हमला ही है हमारे भारत पर भी किया है. सो ये उस पॉइंट पर नहीं देखे हम इस लेसन को देखे. ही वॉन्टेड टू लाइव हिज फ्रीली सो ही स्टार्टेड. मतलब नेल्सन मंडेला जो था उसे ये फ्री मतलब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मंजूर नहीं था. उसे फ्रीली लाइव करना था अपनी लाइफ फ्रीली उसे जीने थी. सो उसने एक क्लैन बनाया मडीबा कोसा टू एबोलिश द अपार्टेड. वो अपार्टेड को ख़त्म करने के लिए उसने क्लैन मतलब रिवॉल्यूशनरी टीम बनाई मडीबा कोसा टू एबोलिश द अपार्टेड. बट द फॉरेनर्स कम मतलब जब फॉरेनर्स मतलब ये ब्रिटिश थे उनको जब पता चला कि ये नेल्सन मंडेला एक आदमी है जो कि हमारे खिलाफ है सो दे वेर कॉल्ड फादर हिम. सो बट द फॉरेनर्स कम न्यू दे अरेस्टेड हिम फॉर उन्होंने 27 ईयर्स तक उसे जेल में रखा. सो दे वेर कॉल्ड फादर ऑफ नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका. ये नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी को जैसे फादर ऑफ नेशन भारत का कहते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब ये तो उनकी छोटा सी था. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ. आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेरेमनी द गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स इन हम्बल ऑफ लिबर्टी. वो एक सेरेमनी मतलब सेरेमनी सेलिब्रेट किया हम्बल ऑफ लिबर्टी फ्रीडम मतलब फ्रीडम के खुशी में लिबर्टी के खुशी में उन्होंने गैदरिंग ये किया. सो द सेरेमनी इन एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर एक ऐसा प्लेस है रॉयल सेरेमनी सेलिब्रेट होते मतलब जो बड़े लोग हैं मतलब जो राजकारण के ये है रॉयल के है उनको सेलिब्रेट करते थे. वो क्या कहते हैं फॉर डिकेड्स मतलब 10, 20, 100 ईयर्स तक ये एम्फीथिएटर 100 ईयर्स तक ये एम्फीथिएटर ये ब्रिटिश मतलब ये व्हाइट्स के हाथों में था. हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला. सो ये करते हैं कि दे वेयर रूल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. वाइट सुप्रीमेसी के बाद शंबर मतलब 100 ईयर्स के बाद हमें ये एम्फीथिएटर में सेरेमनी करने का मौका मिला है. सो हमने इंट्रोडक्शन मिला है नेल्सन मंडेला कौन थे और उनका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या था ये मिला है इस पार्ट वन में. अब हम पार्ट टू में देखने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला ने इंडिपेंडेंस कैसे हासिल किया और इंडिपेंडेंस होने के बाद उन्हें क्या क्या मतलब क्या खुशी हुई क्या प्रिविलेजेस हुए. सो बाय बाय. आपको ये पार्ट वन ऑफ दिस लेसन
अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, सी यू इन पार्ट सेकंड।